हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भिनार क्लासेस में। मैं प्रहलाद लेके आया हूँ आज आपके लिए सिस्टोपस, यानी हम पढ़ रहे हैं पहला फंगस एल्बिगो के बारे में। उसका एक निक नेम है सिस्टोपस। तो हमने देख लिया था फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, सिम्टम्स कैसा होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया था, और जो अल्बुजिनेसी फैमिली है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ना था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में इस चीज को कंप्लीट कर लिया हूं, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हमको देखना है रिप्रोडक्शन, यानी सिस्टोपस के अंतर्गत रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। उसमें हमने बताया था कि सिस्टोपस में दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम डील कर लेते हैं बारी बारी से सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में। तो पहला जो हम यहां पे आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर हमारे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हम देख लेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिर इस फिगर को क्लीन करके दूसरा डायग्राम क्लियर कर लेंगे, उनको हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं आपको लगातार देता रहूं, जैसे आपकी अपडेटिंग लगातार होती रहे और आपकी स्टडी कंप्लीट होती रहे। अब वीडियो में थोड़ा भी लेट नहीं होगा, अब रोजाना आपके एक एक क्लास रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, तो आप करिए एक छोटा सा स्क्रीन शॉट, फिर हम चलते हैं आगे कि फिगर में कुछ हिचपिच हो जाए उसके पहले आप एक छोटा सा स्क्रीन शॉट कंप्लीट कर लीजिए। तो हमको अब लग रहा है कि आपका स्क्रीनशॉट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं किसके बारे में, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो स्टूडेंट, हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो हमारा अल्बिगो है, यानी हमारा जो सिस्टोपस है, सिस्टोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। ये मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखिएगा, नोट कर रहे तो नोट कर लीजिए कि अल्बिगो में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पेशली मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स द्वारा होता है, जिन्हें हम कोनेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनेडिया कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, या फिर हम इसको जू स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब देखना, जो जू स्पोरेंजिया है, क्या है? जू स्पोरेंजिया कहते हैं, ये का गदा देखें, जैसे बजरंगबली का गदा था, ठीक उस गदा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोनेडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनेडियोफोर कहते हैं, या कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। एक लंबी, एक कह दो आधारमयी संरचना होता है, श्रृंखला होता है, ठीक, एक कह लो बेसिकल चेन्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा फिगर आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो फिगर दिख रहा है ये आपके कोनेडिया के फॉर्मेशन को डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोनेडिया फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। आप देख पा रहे हैं स्टेज ऑफ कोनेडिया फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दिखा, मैं अभी चलूंगा तो इसमें बताऊंगा कि स्टेज ऑफ कोनेडिया जो फॉर्मेशन है, ये कोनेडिया का धीरे धीरे फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी उन्हीं के इसमें मल्टी न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब जब इतना हमने पढ़ लिया तो आगे पढ़ते हैं। जो ये कोनेडिया बनता है, क्या बनता है? जो ये कोनेडिया, जो कोनेडिया बनता है, इनकी एक चेन होती है जो आधार मतलब बेसिक पार्ट से लगे होते हैं, और जैसे जैसे कोनेडिया जो युवा होता है मतलब एडल्ट होते रहता है वो उस फंगस के एपिकल पोर्शंस पे लगने लगता है, स्थित होने लगता है, और दूसरी छोर हमारे बेसिक पार्ट पे पुराने स्पोरेंजिया या कह ले कोनेडिया लगे होते हैं। ये देखो जो पुराने वाले हैं, नए वाले ऊपर से बनते जाएंगे और पुराने वाले ऊपर से ऊपर बाहर निकलते जाएंगे और इनका स्फुटन होगा। स्फुटन होने के बाद धीरे धीरे उसमें से स्पोर यानी कोनेडिया बाहर की ओर निकलेगा। ओके, तो इतना तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब चलते हैं, आप फर्स्ट शेडिंग करिएगा यहां से, जैसे यहां पर दिख भी रहा होगा, फर्स्ट शेडिंग यहां से लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोनेडियो स्पोर। फर्स्ट शेडिंग आप कवर करिएगा फॉर्मेशन ऑफ कोनेडियो स्पोर आर स्पोरेंजियो स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ कोनेडियो स्पोर आर स्पोरेंजियो स्पोर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे फिगर नंबर ए दिखाई दे रहा है, यहां पे वेजिटेटिव हाइफा था, ठीक, मतलब ये हमारा जो स्पेशल एक हाइफा है, किसका है? जो हमारा अल्बिगो है उसके हाइफा की बात कर रहा है, ये हाइफा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्ट होता है हमारा अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की असली कहानी। बने रहिएगा लास्ट तक, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखो फिगर नंबर ए की बात करेंगे, फिगर नंबर ए में क्या कहता है कि जो हमारे स्पेशल
होस्ट सेल होते हैं या होस्ट टिश्यूज होते हैं, जब हमारा अल्बिगो पूरी तरीके से किसी होस्ट में कंप्लीट हो जाता है, यानी अपने आप को पहुंचा देता है, और उनकी जो इंटर स्पेस होता है, क्या होता है, इंटर स्पेस या इंटर सेलुलर स्पेस होता है, वहां पे सारे हाइफा सही तरीके से फैल जाते हैं, क्या होते हैं, सही तरीके से फैल जाते हैं। तो इस क्षेत्र में, मतलब इस एरिया में ढेर सारे हमको वेजिटेटिव हाइफा नजर आते हैं, किसके, स्पेशल फंगस के, किसके, फंगस के, फंगस हम किसको डील कर रहे हैं, अल्बिगो के। तो पहला पॉइंट होगा कि जितने भी परपोसी यानी होस्ट टेस्ट टिश्यूज होते हैं, उसमें जब हम क्या करते हैं, इंटर स्पेस यानी होस्ट टिश्यूज का जो इंटर सेलुलर स्पेस है, वहां पे अल्बिगो पहुंचकर अपने सही तरीके से माइसीलियम को क्या करता है, अपने माइसीलियम को, ठीक, जो हमारे माइसीलियम थे वहां पे सही तरीके से डेवलप हो जाते हैं, और डेवलप होके एक स्पेशल क्या करते हैं, एक स्पेशल समकोण जैसा, मतलब एक एंगल क्रिएट करते हैं। एंगल क्रिएट करने के बाद वो अपने हाइफा को धीरे धीरे ग्रोथ कराते हैं, और इसको हम कोनेडियोस्पोर या स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनेडियोस्पोर या स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये समकोण जैसा स्ट्रक्चर, यही हमारा कोनेडियोस्पोर, ठीक। अभी हम आगे चलेंगे, देखो कोनेडियोस्पोर बन गया। आगे जिस एरिया पे यानी प्लांट के, कुछ फेरी प्लांट्स हो चाहे इंथ्रेसी फैमिली हो, ठीक, जो हमारे प्लांट्स हैं वहां पे जब इन्फेक्टेड एरिया पे हम यदि लैंगिक चुनर उनका क्या करते हैं, डिसेक्शन करके लाते हैं, क्या करते हैं, लैंगिक चुनर सेशंस का काट लाते हैं, तो वहां पे हमको कोनेडियोस्पोर एक स्पेशल पॉलीसाइट के रूप में दिखाई देती है, क्या, पॉलीसाइट टिश्यूज के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम खम्ब टिश्यूज या खम्ब उतक भी कहते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि इसमें कोनेडियोस्पोर में लगभग 5 से 6 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, जैसा कंडीशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो क्या कर रहा है, ये इन्फेक्टेड लीफ है। फिगर नंबर ए में हमने देखा कि ये सेलुलर जो स्पेस होता है, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसमें हमारा हाइफा सही तरीके जाके अपने आप को ग्रोथ कराया। ग्रोथ कराने के बाद वहां पे क्या कर रहा है, कोनेडियोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब जो इन्फेक्टेड क्या है, इन्फेक्टेड एरिया या इन्फेक्टेड लीफ है, वहां पे हमको 5 से 6 न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाता है, जैसे 4-4-2 मैंने बनाया है, ठीक, ऐसे धीरे धीरे मिल जाएंगे और अपने माइसीलियम को धीरे धीरे बड़ा करते हैं। और इसी माइसीलियम की जो वाल होती है वो काफी पतली होती है, और जो बेसिक पार्ट से मजबूती के साथ लगी होती है, ठीक। इतना तो हमने देखा इन्फेक्टेड लीफ में कि ये माइसीलियम धीरे धीरे तैयार हुए, माइसीलियम जाके ऊपर कोनेडियोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर फोर का फॉर्मेशन करने लगी। जब हमारे कोनेडियोस्पोर सही तरीके से बन गए तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब फिगर ए और बी क्लियर हो गया। चलते हैं फिगर सी के पास कि फिगर सी क्या है। अब यहाँ पे आप हैंड डालिएगा नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया या फिर स्पोरेंजिया या फिर जू स्पोरेंजिया, लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया या मतलब आर करके फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया या फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोरेंजिया, तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे स्टेज ऑफ क्या कह रहा है, कोनेडियो फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसा कौन कौन सा स्टेप होगा। अब देखो जो हमारे कोनेडिया पहले क्या था, कोनेडिया बन गया था इन्फेक्टेड लीफ में, हमने देख लिया था। कोनेडिया स्पेशल क्या होता है, जो कोनेडिया होता है वो स्पेशल एक कोनेडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो एक सीरीज में धीरे धीरे बन लगता है, जैसा ये सीरीज आपको दिखाई दे रहा होगा, यही सीरीज को यहाँ पे मैं शॉर्ट करके लाया हूँ। अब इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होता है, क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसके ऊपर एक और मुंडी लग जाएगी, ठीक। तो ग्रोथ होते समय हम देखते हैं कि जो हमारे कोनेडियोस्पोर होते हैं वो धीरे धीरे उनके जो एपिकल पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे गुब्बारे के जैसे फूलने लगते हैं, मैंने बताया बजरंगबली के गधे जैसा उभार दिखने लगता है। और जो ये फूलना मतलब फूलते रहते हैं, तो स्पेशल ये धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने जो हमारा पूरी फेरल से न्यूक्लियस की ओर यानी केंद्र की ओर कैसे सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते बढ़ते बीच में क्या होता है, संकीर्णन आ जाता है, बीच में पिचक जाते हैं, मतलब ये धीरे धीरे डेवलप होंगे, डेवलप होते होते काफी बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जो सेंटर पार्ट्स होता है वो काफी कमजोर हो जाता है, और ये ऊपर की ओर एक गुब्बारे जैसे बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करते हैं, और इस स्ट्रक्चर्स को
इस स्पेशल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स को हम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, कि ये जैसा हमारा बर्डिंग फॉर्मेशन होता है वैसा यहाँ पे फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। ओके, जब ये बर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे जाके जब ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट डिवीजन करके या फिर कह लें कि सही ग्रोथ करके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो स्पेशली यहाँ पे ये फ्री होना चाहते हैं। क्या होते हैं? फ्री होना चाहते हैं। और इस गोलाकार में, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं बट आप बना लीजिए, इस गोलाकार में कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 5 से 8 क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 5 से 8 छोटे छोटे न्यूक्लियस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इस नंबर का आप ध्यान रखिएगा कि ये नंबर कितना बता रहा है, ये नंबर बता रहा है स्पेशल ऐसे, ठीक, इनमें इतना न्यूक्लियस पाया जाएगा। इन चीज को, ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब कोनेडिया क्या करता है, कोनेडियोस्पोर में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और एक कोनेडियम का फॉर्मेशन करता है, जिसके बाद कोनेडियो जो स्पोर होता है वो छोर पे संकीर्णन के वजह से टूट जाता है और टूटने के बाद आगे चलकर 2 छोटे छोटे कोनेडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये कोनेडियोस्पोर आगे जाके क्या करते हैं, ये स्पेशल इंटरकैलरी डिस्क बनाती हैं। क्या करती हैं? इंटरकैलरी डिस्क बनाती हैं, जिसको हम सिंपली क्या करते हैं, इंटरकैलरी डिस्क बनाती हैं, जिसे हम वियोजक, क्या कहते हैं, वियोजक या डिसजक्शन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? वियोजक के नाम से जानते हैं। ये दो एकदम असमान कोनेडिया इसी डिस्क पे पाए जाते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो दोनों डिस्क की बात कर रहे हैं, ये दोनों डिस्क बनने लगते हैं और इन्हीं डिस्क के बीच में क्या आता है, एक वियोजक आ जाता है। क्या आता है? वियोजक की कुछ दशा ऐसी होती है स्टूडेंट, मैंने बनाया नहीं, ठीक, वियोजक की दशा कुछ ऐसी होती है जो आपस में लगे होते हैं। जब यही कोनेडिया जो होता है या फिर हमारा जो स्पोरेंजियो स्पोर है, क्या है, या स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के लगातार यानी रेगुलरी फॉर्मेशन के बाद जो हमारे होस्ट सेल होते हैं उनके जो एपिकल टिश्यूज होते हैं या एपिकल सेल्स होते हैं उनमें अचानक से फोर्सेस बढ़ने लगता है। क्या बनता है? जो हमारे जिस लिप पे पाए जाएंगे वहां पे स्पेशल फोर्सेस बढ़ने लगते हैं और फोर्सेस बढ़ने के वजह से ये क्या करते हैं, फट जाते हैं। क्या करते हैं? फट जाते हैं और इस खुले भाग से जो कोनेडिया होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। क्या करता है? इस फोर्स के वजह से जो हमारा कोनेडिया होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है और निकल कर जो हमारा होस्ट टारगेट यानी होस्ट लीफ होता है उसकी सतह पर स्पेशल छोटे छोटे पास्टुलेट, क्या, छोटे छोटे स्पुटिकाएं या फिर व्हाइट पास्टुलेट का फॉर्मेशन करती हैं और यही पास्टुलेट क्या है, यही पास्टुलेट जो हमारे व्हाइट रस्ट का नाम देती हैं और ये स्पेशली व्हाइट रस्ट जो है उन्हीं व्हाइट पास्टुलेट के द्वारा उत्पन्न किया गया एक स्पेशल फंगल डिजीज है जो प्लांट में या क्या करता है, प्लांट के लीफ, प्लांट की ब्रांचेज, प्लांट की फ्रूट फ्लावर कहीं भी इन्फेक्शन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक कोनेडियम में या फिर प्रत्येक स्पोरेंजिया एक पतली सी लेयर से बनी होती है। क्या होती है? पतली सी लेयर से बनी होती है जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स कवर करती है। आपको दिख रहा है, मैं आगे चल रहा हूं अभी, राउंडेड स्ट्रक्चर्स कवर करती है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर्स में, ध्यान दीजिएगा, इस राउंडेड स्ट्रक्चर्स में मल्टी न्यूक्लियस संरचनाएं होती हैं, मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इनका जो व्यास होता है, इनका जो डायमीटर होता है वो 13 से 18 मिलीमाइक्रॉन होता है। इनकी यदि डायमीटर की स्टूडेंट आप बात करेंगे, किसकी, इनकी डायमीटर की बात करेंगे तो इनकी जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, 13 से 18 मिलीमाइक्रॉन, कर लीजिएगा यहां से, 13 से 18 मिलीमाइक्रॉन होती है, ठीक, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। जब ऐसा दिख जाता है कि 13 से 18 मिलीमाइक्रॉन हो जाते हैं, जो हमारे कोनेडिया है वो फ्री होकर किसी भी बेसिस पार्ट पे क्या करता है, किसी भी बेसिस पार्ट पे लग जाता है और ये लगने के साथ स्पेशली अलग अलग स्थिति में जर्मिनेट होते हैं। ये कैसे जर्मिनेशन होते हैं हम अभी हम देखते हैं कि क्या हमारा जर्मिनेशन का पार्ट्स है, ठीक। इतना तो देख लिया कि कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या स्थिति आ रहा है। अब आगे बात करते हैं नंबर तीसरे हेडिंग की, जर्मिनेशन ऑफ कोनेडियम, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा जर्मिनेशन ऑफ कोनेडियम है, मैंने यहां तक तो 4 फिगर देख लिया, फिगर ए,
फिगर बी को हमने कंप्लीट किया किसमें, पहले पार्ट में कोनेडिया कैसे फॉर्मेशन ऑफ कोनेडियम, ठीक, जो हमारा कोनेडियम था उसका फॉर्मेशन हमने देख लिया, यहाँ स्टेज ऑफ कोनेडिया फॉर्मेशन की बात कर लिया, स्पोरेंजियम की बात कर लिया या जू स्पोरेंजिया की बात कर लिया, ठीक। अब हम तीसरे हेडिंग में देखेंगे स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ या फिर कह लें जर्मिनेशन ऑफ कोनेडियम। देखो जर्मिनेशन ऑफ कोनेडियम में हम फिगर ई को कंप्लीट करेंगे और इन सारे फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। हम सबसे पहले फिगर ई की बात करते हैं। फिगर ई में यहां दिखता है जो स्फुटिकाएं होती हैं, जो पास्टुलेस होते हैं, उनमें क्या होते हैं, ढेर सारे कोनेडियम होते हैं, ठीक। अब ढेर सारे जो कोनेडियम होते हैं वो स्पेशल सूखने और मतलब सूखने व संकुचन द्वारा होते हैं। ढेर सारे संकुचन तो हो गया भाई, उनका प्रकरण हो जाएगा, मतलब एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लिया मेरे प्लांट्स के लिप पे गए हैं तो लिप पे क्या करेंगे, लिप पे हैं, लिप के बाद वो क्या किए, व्हाइट पास्टुलेज धीरे धीरे उसके अलग अलग पार्ट्स पे पहुंच जाएंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो स्पेशल कैलो की रेन यानी वर्षा के द्वारा हो सकता है, यानी हमने लिप पे कहीं पड़ा हो, ठीक, ये ब्रांचेज की लिप हो, मान लो सपोज कि ऐसा कुछ हमने बना लिया इसी जगह, ठीक, ऐसा कोई प्लांट्स एक हैं, ठीक, ऐसा कोई प्लांट्स हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिप यहाँ पे लगा है, ठीक। अब उसके बाद ये लिप पे हमारे व्हाइट पास्टुलेस पड़े हुए हैं, हमने पिछले वीडियो में बना था, ये क्या करेंगे वर्षा होते समय क्या करेंगे, यहाँ भी आ जाएंगे। तो धीरे धीरे इनके क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स और इंक्रीज करके प्लांट के हर एक पार्ट से पहुंच जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है, इनका प्रकरण की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो वो आपकी जो रेन होती है रेन वाटर के द्वारा होता है। अब कोनेडियम का जो स्पेशल जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन में लगभग 2 से 3 आवर्स लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, प्रकरण के बाद 2 से 3 आवर्स लग जाते हैं स्पेशल। इस समय जो हमारा वातावरण होना चाहिए, मतलब कि एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसका तापमान कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब इसको जर्मिनेट होने के लिए कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही चाहिए हमको, ठीक। अब हो गया कितना समय लगेगा, ये प्रकरण के लगभग 2 से 3 आवर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक, 3 आवर्स कंप्लीट करते नजर आएंगे, डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए। चलो भाई हमने देख लिया इस पॉइंट्स को। अब इतने डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा कोनेडियम होता है, कोनेडियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्पेशली एक केंद्र की है, मतलब जो मोनोन्यूक्लियस में टूटने लगता है और टूटने के बाद ये अलग अलग पॉइंट्स में चले जाते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स में चले जाते हैं, जैसा फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। अब जैसे हमारे फिगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे क्या थे, हमने देखा कि यहाँ पे 5 से 8 न्यूक्लियस थे, यहाँ पे 2, 4, 6 हमने न्यूक्लियस बना दिया है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स को इंक्रीज कर लेते हैं। जब ये अलग अलग सेल्स को बना लेते हैं अपने मोनोन्यूक्लियस के फॉर्म में हो जाते हैं, या कह सकते हो कि मोनोन्यूक्लियस के फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होते समय क्या देखते हैं, प्रत्येक पार्ट्स में या प्रत्येक पार्ट्स के अंदर एक स्पेशल वृत्ताकार या फिर डाइफेजलेटेड, क्या होता है, वृत्ताकार या फिर डाइफेजलेटेड स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। अब वहां से कंप्लीट करने के बाद ढेर सारे हमारे जो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, वो स्पोरेंजिया या फिर जू स्पोरेंजिया से बाहर फ्री होते हैं। जैसा इस फिगर में दिखाई दे रहा है, स्पोर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया, मतलब जब ये सही तरीके से इतना डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा और स्पेशल इतने घंटे के बाद क्या होते हैं, इसमें डाइफेजलेटेड हमारे जो स्पोर होते हैं वो बाहर की ओर फ्री होते हैं। किससे फ्री होते हैं, स्पेशल स्पोरेंजिया से फ्री होते हैं, क्या होते हैं, स्पोरेंजिया से फ्री होते हैं। फ्री होने के कुछ समय बाद वो लोकोमोशन करते हैं, कुछ समय तक वो लोकोमोशन करते हैं, और देख रहे हैं आप यहाँ पे फिगर नंबर जी में आपको दिखाई दे रहा होगा फैजिलेटेड जो स्पोर, इसमें आपको डाइफेजिलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये केवल कुछ समय तक होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब ये लोकोमोशन कंप्लीट कर लेते हैं तो इनका जो फैजिलेटा होता है या फिर फैजिला होता है वो अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट होने के बाद एक राउंडेड स्ट्रक्चर या गोलाकार स्ट्रक्चर दिखता है, क्या दिखता है, गोलाकार स्ट्रक्चर दिखता है, और इस गोलेकार स्ट्रक्चर्स के चारों ओर एक स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, क्या करते हैं, सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट फिगर आप इसमें दिखाई दे रहा है, आप इस फिगर को देख लीजिएगा, ये जो सिस्ट का स्पेशल एक लेयर लग जाता है, जो हमारा सिस्ट होता है, सिस्ट का जो जर्मिनेशन होते हैं वो स्पेशल एक जर्म ट्यूब द्वारा होता है। आप देख रहे हैं ये स्पेशल जर्म ट्यूब है, जर्म ट्यूब द्वारा होता है। अब जो जर्म ट्यूब है, क्या है, जो जर्म ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, यही जर्म ट्यूब स्पेशली
रंध्रों द्वारा यानी स्टोमेटा द्वारा क्या करता है, किसी भी क्या करता है, यही जर्म ट्यूब स्पेशल अपने जो होस्ट हैं उनके स्टोमेटा द्वारा अंदर किसी भी प्लांट्स के, जिस प्लांट पे होंगे उस प्लांट के इनर टिश्यूज यानी इंटर स्पेस जो हमारा था, या टिश्यू का स्पेशल इंटर सेलुलर जो स्पेस था, वहां पे प्रवेश करके नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा ये दिखाई दे रहा है। हम इसको पॉइंट्स में कह सकते हो कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रक्चर्स हमारा क्या कहता है, इस स्ट्रक्चर्स को हम छोटा सा नाम देते हैं, क्या देते हैं स्टूडेंट, यहां से आप लिख लीजिएगा, यहां से इसको सिस्ट कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम सिस्ट का नाम देते हैं। यही सिस्ट आगे जाके क्या करता है, एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसे हम जर्म ट्यूब भी कह सकते हैं, ठीक, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। जब जर्म ट्यूब हमारा फॉर्मेट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो जर्म ट्यूब हमारा फॉर्मेट हो जाता है, तो यही फॉर्मेशन करने के बाद जो हमारा जर्म ट्यूब का छोटा सा हमारा क्या है, स्पोरेंजियम है, या फिर जो स्पोर है, या फिर स्पोर है, ये प्लांट के स्पेशल टिश्यूज का जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा द्वारा प्लांट के टिश्यूज के जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे जाकर नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फिर अपने आप को जर्मिनेट करता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से वो नए वेजिटेटिव हाइफा में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा पूरा ग्राफ, मैंने तीन हेडिंग में क्लियर किया, आपको सही तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये फिगर आप स्क्रीनशॉट पहले भी कर चुके हैं, ठीक। तो अब मिलते हैं इसके जस्ट, मैं अभी लेके आ रहा हूँ अभी फिगर।